मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए कल मतदान है। राज्य का कोना कोना इस बात की गवाही दे रहा है कि राज्य में मतदान को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होगा। कल होने वाले मतदान से पहले चुनाव अधिकारियों को मतदान सामग्री वितरित की गई। इस चुनाव में 2533 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। बता दें कि 64,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों में लगभग 5 करोड़ मतदाता वोट करेंगे। विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू होने के साथ ही जनसभाओं, दावों, वादों और आरोप प्रत्यारोप से मतदाताओं को रिझाने के लिए बस बुधवार का ही दिन था। मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता को लाने के लिए भाजपा, कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अब ऐसे में देखना होगा कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में कौन सी पार्टी जीत हासिल कर जनता के दिलों पर राज करेगी। आजाद भारत में जब पहली बार चुनाव हुआ तो देश को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। कहीं संसाधनों की कमी तो कहीं अपने मतदान का उपयोग कैसे किया जाए, इस बात की लोगों में अनभिज्ञता। लेकिन आज जिस आधुनिक भारत में हम जी रहे हैं, यहाँ चुनाव के लिए न ही संसाधनों की कमी है और ना ही लोगों में जागरूकता की। बदलते वक्त के साथ चुनाव के प्रति न केवल जनता में जागरूकता आई, बल्कि ईवीएम जैसे आधुनिक उपकरणों ने चुनाव की जटिल प्रक्रिया को और आसान करने का काम किया। कल मतदान है 17 तारीख को 230 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कल मतदान होगा। मतदान प्रातः 7 बजे से आरंभ होकर के शाम के 6 बजे तक होगा। इसमें बालाघाट के जो 3 विधानसभाएं हैं, बैहर, लांजी और परसवारा, इनमें मतदान 7 बजे से 3 बजे तक होगा। इसके साथ ही मंडला के जो 55 मतदान केंद्र हैं और डिंडोरी के 40 मतदान केंद्र हैं, इन पे भी मतदान 7 बजे से 3 बजे तक होगा। इसका कारण ये है कि ये तीनों जिले नक्सल प्रभावित जिले की श्रेणी में आते हैं। इसके अतिरिक्त जो मतदान की कार्रवाई होती है 7 बजे प्रारंभ होगी जो सुबह, उसके पहले मॉक पोल की कार्रवाई होती है 90 मिनट पहले, 1.5 घंटा पहले पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में, तो वो कार्रवाई होगी। आज मतदान दलों की रवानगी थी। सभी मतदान दल 64,626 मतदान केंद्र हैं राज्य में, 64,626 मतदान केंद्र हैं। सभी मतदान केंद्रों के लिए जो मतदान दल है वो रवाना हो गया था। लगभग 42,000 मतदान दल जो हमारे हैं वो अपने अपने मतदान केंद्रों पे पहुंच गए अभी की जानकारी के हिसाब से, और बाकी भी उस प्रक्रिया में है, शीघ्र ही पहुंच जाएंगे।